गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह रैन लाइक बाय 6-5 या फ्री रैन को ड्रॉप हो जाता है, घर भी वापस आ जाते हैं। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग कोई भी काम नहीं करती हूँ। राजीव गोज बैक टू बेड, ही गेट्स 1 आवर ऑफ स्लीप अगेन, इसलिए आई ऑल्सो गो बैक, क्योंकि एक कोई जगह रहेगा ना तो घर पे आवाज होता है, तो अदर वन कैन नॉट स्लीप। आई ऑल्सो गो बैक टू बेड। तो उसके बाद दिस इज माई सेकेंड मॉर्निंग बेसिकली। अभी उठ के आई एम गोइंग टू हैव माई कॉफी, और जब मैं ड्राइंग को छोड़ के आती हूँ ना तो मैं वॉशिंग मशीन लोड कर देती हूँ इफ़ आई नीड टू डू द लॉन्ड्री, और टाइमर लगा देती हूँ कि जब मैं नेक्स्ट टाइम उठती हूँ ना एकदम कपड़े धो के रेडी होता है और ज़्यादा देर तक पड़े ना रहे। आई सी वॉश क्लोथ अगर ज़्यादा देर तक वॉशिंग मशीन में पड़ा रहा है तो फ्रेशनेस चला जाता है। सो इट्स लाइक मेरा अलार्म और वॉशिंग मशीन ख़त्म होना दोनों एक साथ बजर बजता है, तो वो भी हो गया है वॉशिंग। जब तक आई हैव द कॉफ़ी और फिर मैं क्लोथ्स डाल दूंगी बाहर सूखने के लिए, बट उसके पहले आई जस्ट टेक इट आउट एंड पुट इट इन द बास्केट। वॉशिंग साइकिल ख़त्म होने के बाद अगर ज़्यादा देर क्लोथ्स वॉशिंग मशीन में छोड़ देते हैं ना तो वो सोप का जो फ्रेश स्मेल है वो खत चला जाता है और कैसा एक अनफ्रेश स्मेल हो जाता है। इसीलिए अगर मुझे लेट होगा कपड़े बाहर डालने के लिए तो आई डू टेक इट आउट फ्रॉम द वॉशिंग मशीन एंड कीप इट इन द बास्केट। वॉशिंग मशीन ने तो अपना काम कर दिया, पर मैं अपना काम करने से पहले आई जस्ट वॉन्टेड टू सिट एंड हैव माई कॉफ़ी। दो विंटर हैज स्टार्टेड एंड इट हैज़ कूल्ड डाउन बट स्टिल इट इज़ क्वाइट वार्म। पता नहीं ये कैसा विंटर है। जब तक मैं बाहर कपड़े डाल रही थी बाय द टाइम आई फिनिश्ड आई वाज स्वेटी एंड आई न्यू बिफोर गोइंग जिम इटसेल्फ आई नीड टू टेक शावर। समझ तो आप बाहर बालकनी में 2-3 मिनट के लिए भी जाओ तो यू आर गोइंग टू बी स्वेटी। समर इट्स अ मस्ट कि बाहर बालकनी में आप कपड़े डालने जाओ एंड आफ्टर दैट यू डू हैव टू टेक शावर। बट हमारी बिल्डिंग एकदम रोड साइड पे है और पास में कोई भी हाई राइज बिल्डिंग नहीं है। दैट विल ब्लॉक द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, विच इज़ ऑफकोर्स अ गुड थिंग, बट द नेगेटिव थिंग इज इट्स अ बालकनी बहुत गर्म हो जाता है एंड देर इज़ नो बैरियर टू स्टॉप द सैंडस्टॉर्म। इसीलिए व्हेन देर इज़ सैंडस्टॉर्म बालकनी में बहुत धूप और बहुत धूल दोनों ही ज़्यादा होता है। एज ऑलवेज मैं जूस बना रही थी सो दैट रायन कैन हैव हिज जूस एज इज बैक फ्रॉम स्कूल। दो वीडियो में तो देख के नहीं लग रहा है बट इन रियलिटी आई वॉज रशिंग अ लॉट टू गो एंड टेक शावर टू फील फ्रेश। डिनर में आज बनेगा नूडल्स सिंगापोरियन स्टाइल, बट थोड़ा सा चेंज, जैसे हमें पसंद है घर में उसी लिए थोड़ा सा चेंज, ऑथेंटिक सिंगापोरियन नहीं अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट बड्स। और वही चेंजेस व्हेन वी गो टू PF Chang's ऑल्सो वी आस्क देम टू डू दैट। जब मैं बनाऊंगी आई लेट यू नो। और साथ में श्रिम्प्स डायनामाइट, और श्रिम्प्स डायनामाइट जो है मैं फर्स्ट स्टेप करके फ्रिज में रख के जिम चली जाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। और श्रिम्प्स डायनामाइट तो यूजुअली होता है डीप फ्राइड, पर मैं डीप फ्राइड नहीं करूँगी। जहाँ जितना हो सके आई ट्राई टू अवॉइड डीप फ्राइंग। एक तो है अननेसेसरी कैलोरी, अनहेल्दी। जब बाहर खाते हैं तब तो वी एन्जॉय इट जैसे दे सर्व इट, बट घर पे थोड़ा घर जैसा होना ही बेटर है फॉर लॉन्ग रन हेल्दी लाइफस्टाइल। मैं तो एयर फ्राई करूँगी और सिंपल सा जो कोटिंग है आई जस्ट शेयर दैट विद यू ऑल मैं कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैदा लिया है 1/4 कप, और सेम अमाउंट का मैं कॉर्नफ्लावर भी ले लूँगी। मिक्स्ड हर्ब मेरे पास फिलहाल है नहीं तो मैं सिर्फ ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और गार्लिक पाउडर। स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप, प्रॉन मैरिनेशन। प्रॉन या श्रिम्प्स, प्रॉन व्हाटएवर इज इट। साथ में ज़्यादा कुछ तो चाहिए नहीं, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट थोड़ा सा कम, हर क्योंकि हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा सॉल्ट है, क्योंकि डायनामाइट सॉस में भी सॉल्ट है, सॉस ऑब्वियसली इसमें भी सॉल्ट है। I really don't know the difference between shrimps and prawns. मुझे जहाँ तक पता है कि छोटे वाले को श्रिम्स कहा जाता है, जो थोड़े बड़े वाले हैं वो है प्रॉन्स, और जो बहुत बड़े वाले दैट दोज आर लॉबस्टर्स। प्लीज़ इफ़ यू ऑल नो डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। को मैरिनेट करके 15-20 मिनट्स रख देंगे। वो मैरिनेटेड प्रॉन्स को कोटिंग में अच्छे से कोट करके झाड़ लेना है, ताकि ऊपर ना जो भी एक्सेस है वो निकल जाएगा, वो ऊपर क्रैक क्रैक आ जाएगा। इससे बहुत अच्छा होता है। फ्रिज में रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो अबाउट डीप फ्राइंग, क्योंकि बहुत सालों से मैं डीप फ्राई करती नहीं हूँ। आई एम वेरी कंफर्टेबल इन एयर फ्राइंग। आई केप्ट इट इन द फ्रीजर दो आई सेड इट फ्रिज इन द वीडियो। इसको मैं कुछ देर के लिए फ्रिज में छोड़ दूँगी और वापस आके आई एम गोइंग टू एयर फ्राई दिस। सिंगापुरियन नूडल्स में राइस नूडल्स यूज़ होता है, जो इजीली कारफोड में मिल जाता है, पर हमें पसंद है एग नूडल्स। तो घर पे पीएफ चैंग्स पे जब जाते वी रिक्वेस्ट देम टू रिप्लेस राइस नूडल्स विद एग नूडल्स। और मैंने यूज़ किया था चिंग्स का एग हक्का नूडल्स। लास्ट वीकेंड रायन को पीएफ चैंग्स में खाना था, बट पीएफ चैंग्स घर के पास भी नहीं है और रान के बहुत सारा ट्यूशन था और ग्रेड 9 है, तो वी फेल्ट दैट गोइंग एंड हैविंग विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। वी ट्राइड टू गेट इट डिलीवर्ड बट देयर वाजंट एनी डिलीवरी इन आवर एरिया। इसीलिए आई वाज लाइक ओके, मंडेज तो वी हैव वेज, सो आई मेड इट ऑन ट्यूसडे सो दैट ही कैन एंजॉय घर पे पीएफ चैंग्स जैसा डिनर। और सिंगापुरियन नूडल्स के लिए जो भी वेजिटेबल्स मैं यूज़ कर रही हूँ, सभी मैं लेंथ वाइज काट रही हूँ, लाइक कैरेट, बेल पेपर्स और स्प्रिंग अनियन, अनियन एंड इवन गार्लिक। आई वॉज रियली एक्साइटेड टू मेक दिस डिनर, क्योंकि मुझे पता था रान का तो फिक्स टाइम है डिनर का 7 to 7:30। व्हेन ही विल कम एंड आस्क ममा व्हाट्स फॉर डिनर, आई न्यू द काइंड ऑफ स्माइल आई कैन गेट टू सी। आई विश वो कैमरे के सामने आता, so not only I could share with you all, I could capture and save that memory for myself when he will be off to university. For all moms and homemakers, I know we get immense joy in cooking for others, keeping the house clean and tidy, not only just for us, for all the family members. We even take care of the laundry and everybody's belonging. मैं प्रॉन को फ्रीज़र में रखी थी और अभी एक साइड एक्चुअली मैं जब फ्रीज़र से निकाल के ना एयर फ्राई में डाले, फॉरगॉट टू टेक द फुटेज, वन साइड हो गया है। अभी टर्न करके, हाँ, एयर फ्राई में डालने से पहले थोड़ा सा ऑयल मैंने ब्रश कर दिया था। स्प्रे से ज़्यादा ब्रश विल बी बेटर, क्योंकि इक्वली आप हर प्रॉन पे ब्रश कर सकते हो। स्प्रे होने से एक में ज़्यादा एक में कम ऐसा हो जाता है। और एयर फ्रायर में डायरेक्ट एक मोड होता है प्रॉन्स कुक करने के लिए, 160 डिग्रीज में 8 मिनट्स। तो मैंने पूरा 8 मिनट्स कुक नहीं किया है, क्योंकि प्रॉन ओवर कुक होने से रबरी हो जाएगा। तो मैंने 6 मिनट कुक किया है। थोड़ा सा ऑयल मैं ब्रश कर दूँगी, फिर 4-5 मिनट, मैक्सिमम 4 मिनट्स और कुक करूँगी मैं। श्रिम्स का ऑलरेडी 160 डिग्री 8 मिनट्स आएगा, आई रिड्यूस इट टू 4 मिनट्स। काफ़ी सारा नूडल्स है, क्योंकि मैं थोड़ा अमाउंट में ज़्यादा बना रही हूँ, सो दैट देयर विल बी सम लेफ्ट ओवर। और रायन इधर आपस और बोथ आपस कैन एंजॉय। डायनामाइट राजीव को भी पसंद है, उसको नूडल्स इतना पसंद नहीं है। सबसे पहले स्लाइस, पतले कटे हुए स्लाइस गार्लिक और साथ ही में गाजर, बिकॉज दैट टेक्स द लॉन्गेस्ट टू कुक। सारी वेजिटेबल्स लेंथ वाइज काटी हुई है। अनियन, रेड बेल पेपर और ग्रीन बेल पेपर टू ऐड कलर। थोड़ा बड़े साइज का वॉक होता ना तो बेटर होता। आई ऐड द करी पाउडर, करी पाउडर घर पे आप बना सकते हो, बहुत इजी, और घर के सारे जो हमारे इंडियन स्पाइसेस है उसी से बनता है। ये तो एशियन है ना, तो ऑब्वियसली बहुत ही मिलता जुलता है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी हाउ टू मेक द करी पाउडर। Chili mayo, so I'm adding that. You can use plain mayo. We'll need a generous amount. Hot sauce. But I know we need more of mayo. We need to coat all the prawns very nicely. I just tasted one. लग ही नहीं रहा है that it's not deep fried. I garnish with some green onions. आवर होम फेवरेट स्टाइल सिंगापोरियन नूडल्स, और आज का तो मेन अट्रैक्शन है नॉन फ्राइड डायनामाइट श्रिम्स। होम मेकिंग, इफ वी डू दिस होम मेकिंग सिंपल चोर्स ऑफ कुकिंग, that time's boring cleaning, doing the laundry joyfully, then things can become interesting. We not only do this cooking and cleaning, we do many things which are not even noticed. Like we have to maintain time. Time पे lunch box ready करना, be it for husband or children. Time पे laundry ready हो for office wear, children's uniform. Next, we do even need to keep track of our kids' tuition, extra curriculum. Maybe not for every husband, but for many of us. Like for even for me, my husband does have sometimes side visits and all. So keeping track of that and packing lunch accordingly, that these are the small things we do it happily. That's why the home runs on time. I don't know every family member does recognize this or not, but I am sure we all homemakers agree to it that yes, we are the backbone of our family and we do it with lot of joy. ये काम करना है बोल के हम नहीं करते. We actually find lot of pleasure in doing this simple chores. If we were not happy doing this, I'm sure ऑफिस छोड़ के घर का काम सिर्फ कर रहे होते तो अब तक डिप्रेशन हो ही जाता. जो भी काम करो हैप्पीली करो, which will give you a lot of energy and positivity. कोई काम कुड़कुड़ करके करने से it's not only going to be bad for your mental health, पर वो काम भी उतना अच्छा होता नहीं है. I know there are many of us just like me who have left job and are just homemaker to take care of the family, especially moms बनने के बाद ही we had to leave our job. So if we are happy, we can keep others happy. तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही. मिलते हो आपसे एक नए व्लॉग में. और अगर आप ये मेरा बाय देख रहे हो, that means you have stayed together with me till then. Thank you for that. Bye bye. Take care.